वेलकम टू डेवलपर हसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम टैक्स लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड देखा था, तो एचटीएमएल का ये कोड आपके सामने है। ये सीएसएस टैक्स लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं हम। तो ये साइड पे जो आपको एचटीएमएल प्रैक्टिस के नीचे a.css django.png home.html index.html music.mp3 नज़र आ रहा है, इसको ज़रा इग्नोर करें। index.html और a.css की तरफ हम फोकस करने वाले हैं। तो टैग सेलेक्टर होते हैं, टैग क्या होते हैं? टैग्स आपको पता ही है, एचटीएमएल के अंदर हमने बहुत सारे पढ़े थे। अब उनका सेलेक्टर्स क्या होता है? सेलेक्टर्स यानी कि बॉडी को सिलेक्ट कैसे करना है, उसके बाद h1 को यानी कि हेडिंग को सिलेक्ट कैसे करना है, डॉट क्या होता है, हैश क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अब देखना पड़ेंगी। अगर आपने एक फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपर बनना है तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, और बाकी की जो एचटीएमएल का पूरा कोर्स दिया हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। छोटी छोटी वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर बड़ी वीडियो बनाऊँगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। डिव एक कंटेनर टाइप का होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं हम। तो उसके अंदर हम एक h1 मेन हेडिंग बना लेते हैं। एक और डिव लेना है हमने, दो डिव लेने हैं क्योंकि हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। दो डिव लेने से हम अच्छी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एक डिव के अंदर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओवर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे h2 हेडिंग ले लेते हैं, h1 नहीं ले सकते, ले सकते हैं लेकिन h2 ले आप, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सब हेडिंग इसके लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर एक पैराग्राफ बना लेते हैं। हम ये h1 और h2 से भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये जो होता है ऑलरेडी बिलेटिन होता है, ये बहुत ही एक लंबी लाइन आ गई है, 17th लाइन है। तो आपने अब एक्सप्लोर करना है इस चीज़ को, कि अगर आप यहाँ से एंड से फर्स्ट वर्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो ये कैसे जाएंगे। उसके लिए आप होम कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे, ये आपको दिख रहा है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन शुरू होंगे। तो उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स की तरफ, कंट्रोल प्लस अगर आप दबाते हैं तो आप सेटिंग की तरफ डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ड रैप आपने सर्च करना है, वर्ड रैप आप नीचे स्क्रॉल कर के देख सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट साइज वगैरह सिलेक्शन कर सकते हैं, ये इस VS कोड की है। तो यहाँ से आप ये ऑफ क्यों हुआ, यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। ये कोडिंग नहीं है, ये आप VS स्टूडियो कोड का थोड़ा सा बता रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से आप ऑन कर लें, इसको ऑन करने के बाद आप देखेंगे चेंज क्या आएगा, सेव कर लें और देन इसको हम देखते हैं। तो अब देखते हैं, इसको क्लोज कर दें और इंडेक्स टोटा चेमल की तरफ जाते हैं। ये देख लें अब वो किस तरह से, पहले वो एक ही लाइन में लिखा हुआ था और अब ये थोड़ा सा, अभी भी एक लाइन में है लेकिन वो थोड़ा सा कट कट करके नीचे आ गया। तो ये देख लें, एक ही लाइन पे 17 से शुरू होता है और 18 तक जाता है, ठीक है। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद ये देख लें इफेक्ट आ गया, लेकिन वो पिछले वाला है। तो अब हम इसको क्लियर करने वाले हैं, सेव करके क्लियर करते हैं। तो ये देखें, ये आप ब्लैंक हो जाएगा CSS के बगैर। तो अब हम यहाँ पे वो सारा कुछ करने वाले हैं काम, CSS का यानी कि टैग सिलेक्शन वाला काम करने वाले हैं। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैग लिखें, अगर आपको कोई याद है तो। हम मैं बॉडी लिखता हूँ, मैंने पहले बताया था कि बॉडी पहले लिखते होते हैं, बॉडी का कलर सेलेक्ट करना हो तो। यहाँ पर आप फॉन्ट फैमिली लिख सकते हैं, ये देख लें। अब आप ये बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसका लिख सकते हैं। यानी ये फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह से होने वाला है, टाइम न्यू रोमन, एरियल, टाइम्स, सेरफ, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम्स लेने वाला हूँ, आप इटैलिक्स भी लिख सकते हैं, बोल्ड भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये आपको दिख ही रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो टाइम्स ले लिया, अब देखना ये चेंज आएगा, यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर चेंज, तो यहाँ पर चेंज आया है। आपको अब ध्यान से देखो, यहाँ पर चेंज आ चुका है लेकिन आपको पता नहीं चला किस तरह से आया। तो ये बहुत सारे होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो अब इस टैग यानी इस टिव और इस टिव के दरमियान फ़र्क करना है हमने। तो फ़र्क करने के लिए हमें डिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। इसके अंदर हमने टैग लिखना है बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये एट्रीब्यूट होता है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं आपने समझने के लिए। तो एक्वा ले लिया हमने, एक बॉक्स के एक्वा के बॉक्स से ऊपर क्लिक करेंगे ना और भी कलर आएंगे। तो ये देखें अब इसका बैकग्राउंड कैसा हो गया। तो बॉडी का जो हमने कलर लिया था, और ये देख लें डिव का, अब इस दोनों में डिफरेंस नहीं हो रहा, हमने फर्स्ट डिव और सेकंड डिव जो बनाई है इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके आने हैं, लेकिन
ये तो एक ही कलर आ गया, तो इसको हमने आईडी देना पड़ेगी। आईडी आईडी और क्लास क्या होती है वो अगली वीडियोस के अंदर आने वाला, फिलहाल इसको ऐसे छोड़ दें। तो इसको मेन हेडिंग का दे देते हैं आईडी। तो आईडी देनी है, कोई भी नाम वगैरह देख सकते हैं, ये डैश देनी होती है। तो डैश अगर नहीं लिखेंगे स्पेस छोड़ देंगे तो फिर वो आईडी बनेगी नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा, तो उसको छोड़ दें। इसको सब हेडिंग दे देते हैं, ये क्लास है। आईडी और क्लास में डिफरेंस होता है, आईडी को हम हैश से शो करते हैं और क्लास को हम डॉट से शो करते हैं। वो कैसे वो आगे बात करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो अब इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए इसको डिव को हटा दें। अब यहाँ पे हम हैश लिखने वाले हैं, हैश मेन हेडिंग, क्योंकि वो उसको हमने आईडी दे दी है। फर्स्ट डिव की आईडी मेन हेडिंग थी और जो सेकंड डिव की क्लास होगी उसको आईडी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एज दे रहा हूँ अगली वीडियो का, इसको ज़रा ध्यान से। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लें, ये देख लें, इस मेन हेडिंग पे इफेक्ट पड़ा है। आप इसको व्यू पेज सोर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ या कुछ और मेन हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो इस वजह से ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो अब सेकेंड डिव की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये पहले बताया था, इस बॉक्स पे ऊपर क्लिक करने पे आपको ये कलर्स वगैरह मिलेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से 13, 15, 15 लिखा हुआ है कुछ भी लिख लें, आपके उसके मुताबिक आपको कलर मिल जाएगा। ये बूटस्ट्रैप के अंदर मैं जब अगला कोर्स लेके आऊँगा बूटस्ट्रैप का, उसमें ये वो भी क्लियर होगा। तो ये देख लें आप, ये एमडीएन रेफरेंस क्या होता है, आप इस पर क्लिक करके देखेंगे ना, तो ये देगा एचटीएमएल और सीएसएस के दरमियान डिफरेंस। और ये एक इनकी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे ये एचटीएमएल का कोर्स इनको बताया हुआ है और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है, हर चीज़ को एक्सप्लोर किया। ये डॉट जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के लिए रिप्रेजेंटेशन करता है, तो डॉट सब एडिंग। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड, फोन फैमिली, कलर वगैरह कुछ भी लिखें, तो ये बहुत सारे आप अपनी मर्ज़ी कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया, तो यहाँ पे अब ब्लैक लिखते हैं। अब सेव करके इसको रन करो, देखो क्या आएगा, ये देख लें, ये तो सारा का सारा कैसा हो गया, ये नज़र ही नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अब इसका जो कलर है इसको चेंज करना पड़ेगा। कलर चेंज करने में इस बॉक्स के ऊपर हमने क्लिक किया, तो ये देख लें, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। जैसे हम मैंने आपको पहले से बता दिया, इसके नीचे कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा नहीं हमने, तो वो आगे और मज़ीद क्लियर कर लेंगे जब आईडी और क्लास पढ़ेंगे। तो इसको सेव करके रन करो, ये देख लें, अब चेंज आ गया, ये चेंज आ गया हमारे पास सब एडिंग। और ये लोअर समझो होता है वो ऑलरेडी बिल्ट इन एक वर्डिंग होती है, आपने काफ़ी देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर। तो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी आपने देखी है, 100 लिखा हुआ था। तो अब और भी एक दो चीज़ें देखते हैं हम। ये देखें आप, फोन फैमिली इसकी H1 की देख सकते हैं, कुरियर हम डालने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना, ये जो मेन थी कि फर्स्ट हमारी हेडिंग थी जिसको हमने हैश के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया था, H1 उसमें तो है ही नहीं, उसके अंदर कोई लिखा कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। सेकेंड डिव पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, तो बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी ले लें, तो ब्लू वायलेट ले लिया हमने, तो सेव करके हम रन करते हैं। तो ये देख लें आप, बैकग्राउंड बॉडी का आ गया, ये पूरे पेज का होता है आपको मैंने पहले बताया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ और अच्छा अच्छा देखने वाले हैं। थैंक यू।